दोस्तों फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरी एक छोटी सी न्यूड में। दोस्तों इसमें हम ये सीखने वाले किस प्रकार से अभी एयरटेल पेमेंट बैंक के अपना जीरो बैलेंस एक सेविंग अकाउंट किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ किस प्रकार से अकाउंट ओपन किया जाता है, किस प्रकार से आपको वीडियो कैसे कंप्लीट करना है। कि यहाँ पर मैं आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट भी करके आपको दिखाने वाला हूँ और कैसे आपका डेबिट कार्ड मिल सकता है इसके बारे में आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं किस प्रकार से आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक में घर बैठे कैसे ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को एक प्लीज एक लाइक कर लीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो को आपको पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं किस प्रकार से अभी एयरटेल पेमेंट बैंक में घर बैठे कैसे अपना ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप जो एयरटेल जो थैंक्स एप्लीकेशन है इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पर आपको मैनेज वाला सेक्शन में जाना है, यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको मैनेज वाला सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मोर का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी सर्विस यहाँ पर दिख जाएंगी, बाय न्यू सर्विस करके यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे आपको ओपन बैंक अकाउंट करके ये सर्विस मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला है, जैसे कि आपको आधार कार्ड या फिर वर्चुअल आईडी या फिर आप यहाँ पर आप पेन नंबर को इंटर करके यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके नीचे नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पर अपने ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा एंड उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपका जो प्रोसेसिंग होगा उसके बाद यहाँ पर आप जो आपकी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर फिल करने के लिए जो यहाँ पर प्रोसेस आ जाएगा। तो जो दोस्तों आपका आधार से रहेगा तो कैचअप कर लिया जाएगा एंड कुछ आपको डिटेल्स जैसे कि आपका जो एड्रेस डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करना है, आपका जो इनकम डिटेल्स वो यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो एड्रेस वो फिल करने के बाद नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर दूसरे स्टेप पर आप जाते हैं एंड यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर अनिवार्य है दोस्तों अपने नॉमिनी डिटेल्स को आप फिल कर लीजिएगा एंड नॉमिनी का जो एड्रेस है आपसे सेम है दोस्तों यस कीजिएगा, नहीं है तो दोस्तों उनका नो करके यहाँ पर एड्रेस सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका डिटेल्स है यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर वीडियो कैसे के लिए रिकमेंडेड यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जैसे कि आपके पास पेन कलर होना चाहिए, एक अच्छा लाइट होना चाहिए एंड आपके पास जो भी है एक व्हाइट पेपर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए जो कि दोस्तों वीडियो कैसे के वक्त आपसे मांगा जाएगा। ये दोस्तों वीडियो कैसे करने से पहले दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है, तभी दोस्तों यहाँ पर जो आपके वीडियो कैसे झट से हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर शेड्यूल ना होकर के यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर ऑटोमेटिक चैट पर आप आ जाते हैं। यहाँ से दोस्तों वीडियो कैसे करने के लिए यहाँ पर शेड्यूल आता है एंड दोस्तों यहाँ पर अभी वीडियो कैसे करना चाह रहे थे यहाँ पर नाउ पर क्लिक करके यहाँ से आप देखते हैं आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर टाइमिंग आपको शो हो जाएगा, कॉल पर जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों आपका जो वीडियो कैसे कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं आपको जो पूरा डिटेल्स है अपना पर्सनल डिटेल्स जैसे कि पैन कार्ड वगैरह जो भी है यहाँ पर देने के बाद अपना सिग्नेचर कंप्लीट करते हैं दोस्तों आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर जो वीडियो कैसे कट हो जाता है एंड वीडियो कैसे कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से डेस्कटॉप शो हो जाएगा अकाउंट करके एंड सो आपका जो भी दोस्तों सेविंग अकाउंट है ऊपर ओपन हो जाएगा, जो कि आपका बैलेंस यहाँ पर आप देखते हैं वो यहाँ पर नहीं है एंड आप एड मनी पर क्लिक करके अपना बैलेंस भी एड कर सकते हैं। डेबिट कार्ड को देखना है तो नीचे आपको डेबिट कार्ड का जो सर्विस मिलेगा यहाँ से क्लिक करके अपना डेबिट कार्ड को आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं हमारा डेबिट कार्ड है कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है, एयरटेल पेमेंट बैंक का यहाँ पर दोस्तों डेबिट कार्ड यहाँ पर शो हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका कार्ड नंबर शो हो जाएगा, एक्सपायर डेट सीवीवी नंबर जो भी वो सबसे पहले ही आपको शो हो जाएगा। मैनेज करना चाहते हैं यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं एंड अपना कार्ड नंबर को कॉपी करना चाहते हैं यहाँ से अपना कार्ड नंबर को भी कॉपी कर सकते हैं एंड दोस्तों यहाँ पर आप कार्ड को मैनेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको वर्चुअल रूप में आपको डेबिट कार्ड मिलता है। तो दोस्तों हमने इसमें सीखा किस प्रकार से आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। यदि आपको इससे संबंधित कोई दिक्कत या फिर कोई अनिक हो रही हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगली वाली वीडियो में या फिर दोस्तों आपको नीचे कमेंट में रिप्लाई देकर आपको समझने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल दोस्तों आपको इस वाली वीडियो में बस यही एक छोटी सी जानकारी देने वालों, तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि दोस्तों इस प्रकार से वीडियो को आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, भारत वंदे।